अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, अखिलेश यादव ने खोला राज, कहा गरीबों को उजाड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि जो खुश करने के लिए कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए फैसले हो रहे हैं, सब गिनती का सवाल होता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या सीट की हो रही है। हर कोई हैरान है कि राम मंदिर बनने के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट से कैसे हारी। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अयोध्या को लेकर बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं, इसी के खिलाफ अयोध्या के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने हर मुद्दों पर मतदान किया। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। बहुमत ना हो तो लोगों को खुशी कर बनाई जाती है सरकार, अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि जहां सवाल सरकार बनने का और ना बनने का है तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत ना हो तो बहुत लोगों को खुश कर बनाई जाती है। मुझे लगता है कि जो खुश करने के लिए कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए फैसले हो रहे हैं, सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं, ऐसे में कोई और खुश कर देते हैं तो लोग उधर चले जाते हैं। मुझे खुशी है जनता ने जो फैसला लिया है उससे संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मिली जीत पर कहा कि अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने समय समय पर देखा है। उन्हें उम्मीद थी कि जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जमीन जबरन छीन ली, कितने व्यापारी को नुकसान पहुंचाया। कई लोग वहां पर 100-100 सालों से रह रहे थे। आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। बता दें कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के दो बार के सांसद लल्लू सिंह को 54,547 वोटों से हराया है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट प्राप्त हुए। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का काम काज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, सही जमीन पर लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का काम काज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया।